साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच याची संदर्भित सूचना के साथ। साथियों, दो दिन तक याची प्रक्रिया गतिमान थी, कई साथी याची बने और कई साथी याची बनने से वंचित रह गए। जो साथी याची बनने से वंचित रह गए, चूंकि अब याची प्रक्रिया बंद है, उनके कई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं याची बनाने के लिए। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी प्राथमिकता पे याची बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है ड्राफ्टिंग और फाइलिंग, और वो आपके लिए भी है। आम जो आम शिक्षा मित्र है उसके लिए भी वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके जो फ़ोन कॉल थे, याची जो प्रक्रिया थी, वह कहीं ना कहीं इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रही थी। हमारा कार्य बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया सर्वसम्मत से कि हम ड्राफ्टिंग और फाइलिंग के जो प्राथमिकता के जो कार्य हैं उनको पहले करेंगे, उसके बाद अन्य कोई कार्य। हम आपको यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हमारा किसी भी प्रकार से उद्देश्य यह नहीं है कि हम आपको याची लाभ के लिए उत्साहित करें या याची लाभ के लिए कार्य करें। फिर भी यदि आपको ज़रूरी लगता है, यदि आपका अपना स्वयं का विचार, स्वयं का विवेक यह कहता है कि याची बनना ज़रूरी है, कि हम तो हम दो दिन के बाद इस पूरे मामले पे अवश्य विचार करेंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं कि जो कार्य हमारी प्राथमिकता पे हैं, जो बीड़ा हमने उठाया हुआ है, उसे पूरा करने में हमारा सहयोग करिए। जो कार्य हम कर रहे हैं उसे हमारे तरीके से कर लेने दीजिए। हमने फ्री हैंड मांगे थे पूरे प्रदेश से, और आपने वचन भी दिया था कि हमें आप फ्री हैंड देंगे, तो हम जिस प्रकार से चाह रहे हैं उस प्रकार से हमें करने दीजिए। आप बिना वजह किसी भी तरीके से परेशान ना हो। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ या आपको बताना चाहते हैं कि आपका कहीं से भी किसी भी प्रकार से आहित नहीं होने देंगे। या हमारी खुद की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी है, आपका याची को लेकर हम किसी भी प्रकार से कोई भी आहित नहीं होने देंगे। यदि आवश्यक हुआ तो हम हमारे लॉयर्स से बातचीत कर चुके हैं, यदि आवश्यक हुआ तो हम दो दिन के बाद अवश्य इस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए हमें हमारे कार्य करने नहीं दीजिए। हम जो ज़रूरी कार्य हैं, जो आपके लिए भी ज़रूरी हैं, और अंतिम पायदान पे खड़े हमारे उस साथी के लिए भी ज़रूरी हैं, जो टकटकी लगा के एक उम्मीद और आस लगा के हमारी तरफ देख रहा है, और तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और ऐसे में हमें ये से निर्णय लेने पड़ते हैं। कड़े निर्णय ही बड़े निर्णय होते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने सारे तरीके से मंथन कर लिया, कहीं से भी जब हमें लगा कि इसको बंद कर देने से कहीं से भी आपका नुकसान नहीं है, किसी भी प्रकार से आपका अहित नहीं है, तभी हमने ऐसा निर्णय लिया होगा, और हमें लगा होगा कि कहीं ना कहीं इस निर्णय में आपका लाभ है, कहीं ना कहीं आप के लिए, आपके जीवन के लिए अच्छी ड्राफ्टिंग होना और अच्छी फाइलिंग होना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी हमें ऐसा निर्णय लेना पड़ा होगा। आप ऐसा भी सोच सकते हैं। साथियों, हम तमाम साथियों को यह आश्वस्त और अवगत कर देना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से परेशान, हताश और निराश ना हों, चूँकि इस समय COVID-19 चल रहा है। आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने परिवार के साथ समय को व्यतीत कर सकते हैं, समय को आप गुजार सकते हैं, और स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, व्यस्त रह सकते हैं। उन साथियों को भी हम यह सूचना देना चाहते हैं कि जो साथी याची प्रक्रिया अपनी कंप्लीट कर चुके थे, और वो भी फ़ोन कॉल्स करना चाहेंगे और कर भी रहे हैं हमारी टीम के पास, हम उनसे भी यह कहना चाहते हैं कि आप फ़ोन कॉल्स ना करें दो दिन के बाद, क्योंकि हमारा कुछ कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दो दिन के बाद हम आपको सारी सूचनाएं जिस प्रकार से आप चाहते हैं ऑटोमेटिक रूप से आप तक पहुंचा देंगे। उसके लिए आपको फ़ोन कॉल्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो ज़रूरी होगा, जब ज़रूरी होगा, जैसे ज़रूरी होगा, हम वैसे करना चाहते हैं, और जिसमें आपका हित छुपा हो हम वह निर्णय लेना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे पुनः यह कहते हैं कि हमें हमारे तरीके से कार्य करने दिया जाए, उसमें व्यवधान उत्पन्न न किया जाए, और सबसे बड़ा व्यवधान आपके फ़ोन कॉल्स जो आ जाते हैं,
क्योंकि काम आप जानते हैं आज की तारीख में लॉकडाउन भी चल रहा है, अधिकतर काम इस समय मोबाइल से ही हो रहे हैं, और उसी मोबाइल में अगर आपकी फ़ोन कॉल आ गई तो उस समय वो कार्य कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। इसलिए आप प्रयास करें, अत्यंत आवश्यक हो तो आप अवश्य कॉल कर सकते हैं, लेकिन अत्यंत आवश्यक हो तभी हम आपके बीच भी 2 दिन के बाद उपस्थित होने का कार्य करेंगे। बहुत से साथियों के मन में ये कौतूहल है कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के वकीलों को ला रहे हैं, किस प्रकार की ब्रीफिंग और ड्राफ्टिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, हम वो सब बताएंगे। लेकिन कर चुकने के बाद, सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद हम आपके बीच ज़रूर बताएंगे। जब परिणाम आपके सामने होगा तब हम आपको बताएंगे। इसलिए इस बार हमें हमारे तरीके से काम करने दिया जाए। आप बिल्कुल भी कतई भी किसी भी तरीके से परेशान ना हो, याची को लेकर तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। हम कहीं से भी आपका अहित नहीं चाहते, हम कहीं से भी आपका अहित नहीं होने देंगे, यह जिम्मेदारी हमारी है। साथियों, हम सोशल मीडिया पे अभी उपलब्ध नहीं हैं, समय समय पे हम आपके बीच ज़रूर आने का प्रयास करेंगे, आने की कोशिश करेंगे। हम आपकी मनोस्थिति और मनोदशा को भी समझ रहे हैं, क्योंकि आपका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। हम ऐसा पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप यकीन जानिए कि हम जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उससे भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, आप इतना विश्वास कर सकते हैं। और आपकी मनोदशा को जानते हुए भी हम आपके समक्ष अगर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि हम हो सकता है आपकी मनोदशा को शांत करने से भी अधिक कोई कार्य हो सकता है हम उसमें व्यस्त हों, आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं। हम आपको सारी सूचनाएं भी देंगे, लेकिन सही समय पर देंगे और अच्छी सूचनाएं भी हम आपको देंगे। हम इससे अधिक, चूँकि हमारी सीमाएं हैं, हम उससे अधिक नहीं बोल सकते, उससे अधिक आगे हम नहीं जा सकते। आप कम को अधिक समझ सकते हैं। हम समय समय पे आपके बीच भी उपस्थित होने का कार्य करेंगे, समय समय पे आपके बीच आने का प्रयास और प्रयत्न भी करेंगे यदि आवश्यक हुआ। तब तक के लिए हम चाहते हैं कि आप आपस में मस्त रहें, आप आपस में व्यस्त रहें, और हमें थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए हमें एकांत में हमारा काम कर लेने दीजिए। हम आपका यह एक प्रकार से अपने ऊपर उपकार मानेंगे, और इसी के साथ हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप हर बार हमारा सहयोग करते हैं, हमारी बातों का आप सम्मान दे देते हैं, इसलिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी, जय हिंद। से अधिक महत्वपूर्ण है ड्राफ्टिंग और फाइलिंग, और वो आपके लिए भी है, आम जो आम शिक्षा मित्र है उसके लिए भी वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके जो फोन कॉल थे, याची जो प्रक्रिया थी, वह कहीं ना कहीं इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रही थी। हम हमारा कार्य बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया सर्वसम्मत से कि हम ड्राफ्टिंग और फाइलिंग के जो प्राथमिकता के जो कार्य हैं उनको पहले करेंगे, उसके बाद अन्य कोई कार्य। हम आपको यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हमारा किसी भी प्रकार से उद्देश्य यह नहीं है कि हम आपको याची लाभ के लिए उत्साहित करें या याची लाभ के लिए कार्य करें। फिर भी यदि आपको ज़रूरी लगता है, यदि आपका अपना स्वयं का विचार, स्वयं का विवेक यह कहता है कि याची बनना ज़रूरी है कि हम, तो हम 2 दिन के बाद इस पूरे मामले पे अवश्य विचार करेंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं कि जो कार्य हमारी प्राथमिकता पे हैं, जो बीड़ा हमने उठाया हुआ है, उसे पूरा करने में हमारा सहयोग करिए। जो कार्य हम कर रहे हैं उसे हमारे तरीके से कर लेने दीजिए। हमने फ्री हैंड मांगे थे पूरे प्रदेश से, और आपने वचन भी दिया था कि हमें आप फ्री हैंड देंगे, तो हम जिस प्रकार से चाह रहे हैं उस प्रकार से हमें करने दीजिए। आप बिना वजह किसी भी तरीके से परेशान ना हो। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ या आपको बताना चाहते हैं कि आपका कहीं से भी किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने देंगे। या हमारी खुद की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी है आपका याची को लेकर, हम किसी भी प्रकार से कोई भी अहित नहीं होने देंगे। यदि आवश्यक हुआ तो हम हमारे लॉयर्स से बातचीत
कर चुके हैं, यदि आवश्यक हुआ तो हम 2 दिन के बाद अवश्य इस पे विचार करेंगे। तब तक के लिए हमें हमारे कार्य करने नहीं दीजिए, हम जो जरूरी कार्य हैं, जो आपके लिए भी ज़रूरी हैं और अंतिम पायदान पे खड़े हमारे उस साथी के लिए भी ज़रूरी हैं, जो टकटकी लगा के एक उम्मीद